ओम शांति। ओम शांति। रात्रि क्लास है। इट इज द नाइट क्लास ऑफ 9 जनवरी 1969। 9th January 1969। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। चिल्ड्रन हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर फर्स्ट। वेद के दो बाप हैं। देर आर टू अनलिमिटेड फादर्स। एक है आत्माओं का बाप। वन इज द फादर ऑफ द सोल्स। और दूसरा वेद का बाप है मनुष्य का बाप। एंड द अदर अनलिमिटेड फादर इज द फादर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। दोनों की हाईएस्ट अथॉरिटी है। बोथ ऑफ देम हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी। परंतु सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप जब तक इस सृष्टि पर ना आवे। बट अंटिल द सुप्रीम सोल द फादर ऑफ द सोल्स कम्स टू दिस वर्ल्ड। तो मनुष्य सृष्टि के बाप को कोई पहचान नहीं सकता। नो वन कैन रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन। वो बेहद का बाप ही इसको पढ़ाते हैं। दैट अनलिमिटेड फादर हिमसेल्फ टीचेस दिस वन। और जो खास गीता वाले हैं। एंड दोज हु आर स्पेशली द रीडर्स ऑफ द गीता। उनको पकड़ना भी अच्छा लगता है। इट इज इंडीड गुड टू कैच देम। क्योंकि वो गीता को मानने वाले कृष्ण को भगवान कहते हैं। बिकॉज दोज हु बिलीव इन द गीता कॉल कृष्णा गॉड। तो समझाना है कि भगवान तो आत्माओं का बाप है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम दैट गॉड इज इंडीड द फादर ऑफ द सोल्स। आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। ऑल द सोल्स आर द वंस हु कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो आत्माओं का बाप तुरिया है। दैट फादर ऑफ द सोल्स इज यूनिक तुरिया। वो चक्र में नहीं आता है। ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। बाकी आत्माएं सभी 84 के चक्र में आती हैं। ऑल द अदर सोल्स कम इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। और वो भगवान निराकार है। एंड दैट गॉड इज इनकॉर्पोरियल। आत्माएं भी निराकार हैं। द सोल्स आर ऑल्सो इनकॉर्पोरियल। परंतु अल्पकाल के लिए नंबर वार निराकारी स्टेज धारण करती हैं। बट दे अटेन द इनकॉर्पोरियल स्टेज नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। और भगवान तो सदैव ही निराकार है। एंड गॉड इज ऑलवेज इनकॉर्पोरियल। इस साकार सृष्टि पर आने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ कमिंग टू दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड। साकार में प्रवेश करने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ एंटरिंग द साकार दैट इज कॉर्पोरियल वन। वो अपनी निराकारी स्टेज को नहीं छोड़ता। ही डजंट लीव हिज इनकॉर्पोरियल स्टेज। जबकि कृष्ण तो साकार है। वेयर एज कृष्णा इज सर्टनली कॉर्पोरियल। जो साकार कृष्ण है द कॉर्पोरियल कृष्णा। वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। इज द फर्स्ट लीफ ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन। ऐसे तो वृक्ष के सभी पत्ते शोभनीय होते हैं। एज सच ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री आर अट्रैक्टिव। परंतु पहला पत्ता बहुत शोभनीय है। बट द फर्स्ट लीफ इज वेरी अट्रैक्टिव। और 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के पत्ते सभी देहधारी हैं। एंड ऑल द 5 to 7 billion लीव्स ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन आर बॉडीली बींग्स। उनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। देयर इंटेलेक्ट रिमेन्स इंगेज्ड इन द बॉडी। देह से परे नहीं जाने पाती। इट इज नॉट एबल टू गो बियॉन्ड द बॉडी। जब तक कि परमात्मा बाप ना आवे। अंटिल द सुप्रीम सोल फादर कम्स।
बिना देह के तो एक ही है। देयर इज सर्टनली ओनली द वन विदाउट अ बॉडी। वो सदैव विदेही है। ही इज ऑलवेज विदेही बॉडीलेस। तो जो निराकार है वो ही भगवान है। सो द वन हु इज इनकॉर्पोरियल ही हिमसेल्फ इज गॉड। निराकारी ही निर्विकारी निरहंकारी हो सकता है। ओनली द इनकॉर्पोरियल वन निराकार कैन बी विदाउट वाइसेस निर्विकारी एंड ईगोलेस निरअहंकारी। बाकी जो भी देह अहंकार वाले हैं, देह वाले हैं, वो सब अहंकारी हैं। ऑल द रेस्ट हु हैव द ईगो ऑफ देयर बॉडी हु हैव अ बॉडी दे ऑल आर ईगोटिस्टिक। क्योंकि देह में बुद्धि धरी हुई है। बिकॉज द इंटेलेक्ट इज एंगेज्ड इन द बॉडी। वो भगवान नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी गॉड। वो निराकार बाप अन्य सभी धर्म पिताओं के मुकाबले ऊंचे ऊंचे है। इन कंपेरिजन टू ऑल द अदर रिलीजियस फादर्स दैट इनकॉर्पोरियल फादर इज द हाइएस्ट ऑन हाई। और ऊंचे ऊंचे धर्म की स्थापना करने वाला है। एंड ही इज द वन हु एस्टेब्लिशेस द हाइएस्ट ऑन हाई रिलीजन। तो जरूर ऊंचे ऊंचे में आवेगा। सो ही विल सर्टनली कम इन द हाइएस्ट ऑन हाई वन। ये तो गपोड़ा मार दिया है कि सर्वव्यापी है। They have just created a rumor that he is omnipresent. कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। He is in every particle. He is present in everything. ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। The highest on high father will definitely have to enter the highest on high. ऊंचते ऊंच कौन है? Who is the highest on high? ये सृष्टि एक नाटक मंच है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। उस रंग मंच पर जरूर कोई हीरो पार्टधारी है। देयर इज सर्टेनली अ हीरो एक्टर ऑन दैट स्टेज। 500 करोड़ पार्टधारियों के बीच ऊंचते ऊंच पार्टधारी जिसमें भगवान आते हैं। अमंग द 5 बिलियन एक्टर्स ही इज द हाईएस्ट ऑन हाई एक्टर इन होम गॉड कम्स। साकार मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ऊंचे है मनुष्य सृष्टि का बीज। इन द कॉर्पोरियल ह्यूमन क्रिएशन द हाइएस्ट ऑन हाई इज द सीड ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन। मनुष्य सृष्टि का बाप द फादर ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन। बाप को ही बीज कहा जाता है। द फादर हिमसेल्फ इज कॉल्ड द सीड। और उस ऊंचते ऊंच में ऊंचते ऊंच आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। एंड द हाइएस्ट ऑन हाई फादर ऑफ द सोल्स एंटर्स दैट हाइएस्ट ऑन हाई वन। तब उसको कहा जाता है शिव बाबा। इट इज देन दैट ही इज कॉल्ड शिव बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। द ग्रैंडफादर इज कॉल्ड बाबा। जब तक प्रवेश न करे तब तक वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। Until he enters, he is just the father of the souls. बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। The father of the point souls. वो खुद भी बिंदु है। He himself is also a point. उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। The name of his point itself is Shiv. क्योंकि सदैव निराकार है। Because he is always incorporeal. इसलिए सदैव निस्वार्थी है। ही इज ऑलवेज सेल्फलेस। जो साकारी होते हैं उनको अपना रथ होता है। दोज हु आर कॉर्पोरियल साकारी हैव देयर ओन चैरियट। जो रथ वाले होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। दोज हु हैव अ चैरियट आर सेल्फिश। जो स्वार्थी होते हैं वो निष्कामी नहीं हो सकते। दोज हु आर सेल्फिश कांट बी निष्कामी That is without desire. तो एक ही निराकार बाप है जो सदैव निष्कामी है। So it is only the one incorporeal father
हु इज ऑलवेज निष्कामी। और जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को बनाता है। एंड वॉट एवर समवन इज लाइक ही मेक्स अदर्स द सेम। वो बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, व्हेन दैट फादर कम्स इन दिस वर्ल्ड, तो साकार मनुष्यों को निराकार स्टेज में धारण होना सिखाते हैं। ही टीचेस द कॉर्पोरियल ह्यूमन बीइंग्स टू बिकम स्टेबल इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज। साकार देह की स्मृति को भुलाई देते हैं। ही मेक्स देम फॉरगेट द अवेयरनेस ऑफ द कॉर्पोरियल बॉडी। तो वो ऊंचे ऊंचे शिव बाबा है। सो ही इज द हाईएस्ट ऑन हाई शिव बाबा। ये बात अच्छी रीति बुद्धि में बैठनी चाहिए। दिस फैक्ट शुड सिट वेल इन द इंटेलेक्ट। ऊंचे ऊंच जर्रा जर्रा नहीं हो सकता। द हाईएस्ट ऑन हाई कांट बी एटम। ऊंचे ऊंच कण कण नहीं हो सकता। द हाईएस्ट ऑन हाई कांट बी एवरी पार्टिकल। प्रत्येक आत्मा ऊंचे नहीं हो सकती। नॉट एवरी सोल कैन बी द हाईएस्ट ऑन हाई। कीड़े मकोड़े द इंसेक्ट्स एंड द स्पाइडर्स कच्छ मच्छ अवतार ऊंचे नहीं हो सकते। द इनकार्नेशन ऑफ द टॉर्टोइस एंड द फिश कैन नॉट बी हाई। कच्छ मच्छ द टॉर्टोइस एंड द फिश जानवरों के अवतार दिखाई दिए। दे हैव शोन द इनकार्नेशन ऑफ एनिमल्स। सोचना तो चाहिए। दे शुड एटलीस्ट थिंक। भगवान आकर के जानवरों को ज्ञान सुनावेगा। विल गॉड कम एंड नरेट द नॉलेज टू द एनिमल्स। जानवर ज्ञान सुनेंगे। विल द एनिमल्स लिसन टू द नॉलेज। ज्ञान सुनना सुनाना तो मनोबुद्धि की बात है। लिसनिंग एंड नरेटिंग द नॉलेज इज द सब्जेक्ट ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। मन बुद्धि मनुष्य में ही होती है। ओनली ह्यूमन बींग्स पजेस अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट। तो जैसा गीता में कहा गया है, सो जस्ट एज इट इज सेड इन द गीता कि मैं नर को नारायण बनाने के लिए आता हूँ। आई कम टू ट्रांसफॉर्म अ मैन नर इंटू नारायण। हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जिससे नारायण बने। ओ मैन अर्जुन, परफॉर्म सच एक्ट्स थ्रू विच यू मे बिकम नारायण। और हे द्रौपदी नारी, तू ऐसी करनी करे जिससे नारायणी बने। एंड ओ वुमन द्रौपदी, परफॉर्म सच एक्ट्स थ्रू विच यू मे बिकम नारायणी। नर और नारायण। नर एंड नारायण। नर उसे कहा जाता है जो नरक बनाता है। द वन हु मेक्स नरक हेल इज कॉल्ड नर मैन। शब्द ही दो हैं, नर और का माने करने वाला। देर आर जस्ट टू वर्ड्स, नर दैट इज मैन एंड क मीन्स द वन हु डज समथिंग। नर जो कुछ करता है, वट एवर अ मैन डज, नरक ही बनाता है। ही क्रिएट्स ओनली हेल्थ थ्रू इट। खुद नीचे गिरता है और दूसरों को भी नीचे गिराता है। ही हिमसेल्फ फॉल्स डाउन एंड मेक्स अदर्स फॉल डाउन एज वेल। कारण है मन। द रीजन फॉर दिस इज द माइंड। जिस मन के कारण मनुष्य कहा जाता है। द माइंड ड्यू टू विच ही इज कॉल्ड मनुष्य ह्यूमन बींग। मनुष्य का मन चंचल है। द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बींग इज इन कॉन्स्टेंट चंचल। एक ठिकाने टिकता नहीं है। इट डजंट रिमेन फोकस्ड ऑन वन प्लेस। देवताओं का मन चंचल नहीं होता है। द माइंड ऑफ द डेटीज इज नॉट इन कॉन्स्टेंट। इसलिए उन्हें दिव्य बुद्धि वाला कहा जाता है। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड द वंस विद अ डिवाइन इंटेलेक्ट। उनकी एकाग्रता बिंदु रूप आत्मा में रहती है। देयर कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स इन द पॉइंट लाइक सोल। अपनी अथवा पराई देह में उनकी बुद्धि नहीं जाती। देयर इंटेलेक्ट डजंट गो टू देयर ओन और समवन एल्सेस बॉडी। स्वयं स्थिति में स्थित होने वाले होते हैं। दे आर द वंस हु रिमेन स्टेबल इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ स्वस्थिति। और ऐसी स्वयं स्थिति में स्थित कराने वाला बाप
एंड द फादर हु मेक्स देम स्टेबल इन सच स्वस्थिति सदैव स्वस्थिति में स्थित होना चाहिए शुड ऑलवेज बी स्टेबल इन स्वस्थिति कृष्ण को सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला नहीं कहेंगे कृष्ण विल नॉट बी कॉल्ड द वन हु ऑलवेज रिमेन्स स्टेबल इन स्वस्थिति कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनता है कृष्ण बिकम्स द वन कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज कलाओं में बांधा जाता है ही इज बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज भगवान को तो कलातीत कहा जाता है बट गॉड इज कॉल्ड कलातीत दैट इज द वन हु इज बियॉन्ड द सेलेस्टियल डिग्रीज शास्त्रों में भी लिख दिया है इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स एज वेल कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी द वन हु इज बियॉन्ड सेलेस्टियल डिग्रीज द वन हु ब्रिंग्स बेनिफिट टू ऑल द वन हु पुट्स एन एंड टू द साइकिल वो कलाओं से परे है ही इज बियॉन्ड सेलेस्टियल डिग्रीज इसलिए कल्प का अंत करने वाला है दिस इज वाई ही इज द वन हु एंड्स द कल्पा साइकिल बाकी कोई मनुष्य मात्र में इतनी शक्ति नहीं है एज फॉर द रेस्ट नो ह्यूमन बींग हैज सो मच पावर जो सब पुराने परंपराओं वाले कल्प का अंत कर सके दैट ही कैन एंड दिस साइकिल ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस कोई भी धर्म पिता में इतनी ताकत नहीं है नो रिलीजियस फादर हैज सो मच पावर जो पुराने धर्मों को खलास कर सके दैट ही कुड डिस्ट्रॉय द ओल्ड रिलीजियंस कुरीतियों को समाप्त कर सके दैट ही कुड फिनिश द इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस जो भी धर्म पिता आए वो अपनी अपनी धारणाएं अर्थात अपना धर्म स्थापन करके चले गए ऑल द रिलीजियस फादर्स हु केम एस्टैब्लिश्ड देयर ओन बिलीफ्स धारणाएं मीनिंग देयर रिलीजन एंड डिपार्टेड पुराने धर्मों का उन धर्मों की कुरीतियों का परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सका नो वन वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड रिलीजन्स द इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ दोज रिलीजन्स ये कार्य एक भगवान बाप का काम है जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है दिस इज द टास्क ऑफ द वन गॉड द फादर हु ऑलवेज रिमेन्स स्टेबल इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ स्वस्थिति वो है ही आत्मा ही इज इंडीड अ सोल उसकी अपनी देह नहीं होती है ही डजंट हैव अ बॉडी ऑफ हिज ओन इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है दिस इज वाई ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है दोज हूज इंटेलेक्ट इज एंगेज्ड इन द बॉडी देह में अटैचमेंट होने के कारण उनके पाप और पुण्य बनते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग अटैचमेंट टू द बॉडी देयर सिंस और मेरिट्स आर अक्यूमुलेटेड भगवान को तो पाप आत्मा नहीं कहा जाता गॉड इज सर्टनली नॉट कॉल्ड अ सिंफुल सोल पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता महात्मा नहीं कहा जाता अ नोबल सोल पुण्यात्मा और अ ग्रेट सोल महात्मा पाप पुण्यात्मा नहीं कहा जाता ही इज नॉट कॉल्ड अ सिंफुल और अ नोबल सोल वो तो है ही परमात्मा परम पिता ही इज इंडीड द सुप्रीम सोल द सुप्रीम फादर परम पिता इसलिए कहते हैं कि दुनिया में जो भी बाप हैं वो सब हद के बाप है ही इज कॉल्ड द सुप्रीम फादर बिकॉज ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड आर द लिमिटेड फादर्स बल क्राइस्ट 200 करोड़ क्रिश्चियन से भी ज्यादा में मान्यता प्राप्त है बाप के रूप में धर्म पिता के रूप में ऑल द क्राइस्ट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ फादर अ रिलीजियस फादर By more than even 2 billion Christians. परंतु वो भी हद का बाप है He too is a limited father. बेहद का बाप एक ही परम पिता परमात्मा शिव है The unlimited father is only the one supreme father, supreme soul Shiv. जिसको आकर सारी दुनिया मानती है Whom the entire world finally accepts. दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक क्यों न हो Whether they are the biggest atheists of the world, एटम बमों की रचना करने वाले क्यों न हो Whether they are the ones who
टू क्रिएट एटम बॉम्ब्स, जब दुनिया में विनाश बरपा होगा, व्हेन द डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स इन द वर्ल्ड, तो सब उस एक गॉड फादर को याद करेंगे। एवरीवन विल रिमेम्बर दैट वन गॉड द फादर। ओ गॉड फादर रहम करो। ओ गॉड द फादर हैव मर्सी ऑन अस। भीख मांगेंगे। दे विल बेग फॉर मर्सी। वो सबका बाप है। ही इज द फादर ऑफ ऑल। इसलिए सबको आकर के वर्षा देता है। दिस इज वाई ही कम्स एंड गिव्स द इनहेरिटेंस टू एवरीवन। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देता होगा। द अनलिमिटेड फादर विल सर्टेनली बी गिविंग द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस। क्या है बेहद का वर्षा? व्हाट इज द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस? मुक्ति और जीवन मुक्ति। लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ। तो वो है बेहद का बाप और ये है हद का बाप। सो दैट वन इज द अनलिमिटेड फादर एंड दिस वन इज द लिमिटेड फादर। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर। गायन भी है। देयर इज ऑल्सो द प्रेज। उस एक के सिवाय और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं दे सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट वन नो वन एल्स कैन गिव एन इनहेरिटेंस फॉर 21 बर्थ्स। ऐसा भी कोई बाप नहीं है जिससे अमर पद मिल सके। देयर इज नो सच फादर थ्रू हुम द इमॉर्टल पोजीशन कैन बी रिसीव्ड ईदर। अमर लोक में सब अमर देवताएं होते हैं। इन अमर लोक द लैंड ऑफ द इमॉर्टल वंस ऑल आर इमॉर्टल डेटीज। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। दे लीव देयर बॉडीज ऑन देयर ओन विश। इस दुनिया में मरना तो कोई नहीं चाहता है। सर्टनली नो वन वॉन्ट्स टू डाई इन दिस वर्ल्ड। परंतु उस दुनिया को कहते हैं अमर लोक। बट दैट वर्ल्ड इज कॉल्ड अमर लोक। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। दे लीव देयर बॉडीज ऑन देयर ओन विश। वो दुनिया सदैव स्वयं स्थिति अर्थात निराकार स्थिति में स्थित रहने वाले की रचना है। दैट वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ द वन हु ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ मीनिंग द इनकॉर्पोरियल स्टेज। वो सत्य रचना है। दैट इज द ट्रू क्रिएशन। सच्चा बाप आकर के सच खंड की स्थापना करते हैं। द ट्रू फादर कम्स एंड एस्टेब्लिशेस द ट्रू लैंड। उसका नाम ही है सतयुग। इट्स वेरी नेम इज सतयुग द ट्रू एज द गोल्डन एज। और ये है मृत्युलोक। एंड दिस इज द मॉर्टल वर्ल्ड। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। सो व्हेन यू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर दे विल अंडरस्टैंड कि बेहद का वर्षा एक बाप से ही मिल सकता है। दैट द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस कैन बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम द वन फादर। और एक जन्म का वर्षा नहीं है। एंड द इनहेरिटेंस इज नॉट ऑफ वन बर्थ। जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा है। बट इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ। वो आकर जो वर्षा देते हैं उसे दैवी स्वराज्य कहा जाता है। द इनहेरिटेंस दैट ही गिव्स व्हेन ही कम्स इज कॉल्ड द डिवाइन सॉवरेनिटी दैवी स्वराज्य। वो दैवी स्वराज्य बाप ही देते हैं। ओनली द फादर गिव्स दैट डिवाइन सॉवरेनिटी। और वो बाप ही पतित पावन गाया हुआ है। एंड दैट फादर हिमसेल्फ इज प्रेस्ड एज द प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल वंस। वो कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। ही सेज कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल रिमेम्बर मी द फादर। अपन को देह समझना भूल जाओ। फॉरगेट टू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ बॉडी। अगर देह समझेंगे इफ यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ बॉडी आत्म की स्थिति में नहीं टिकेंगे। इफ यू डोंट रिमेन स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज तो मुझे बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर मी द फादर ईदर। फिर पाप कटेंगे नहीं। देन द सिंस विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देह को याद करने से बाय रिमेम्बरिंग द बॉडी
चाहे अपनी देह हो चाहे पराई देह हो, वेदर इट इज योर ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ अदर्स, और ही पाप बढ़ते जाएंगे, द सिंस विल इंक्रीज इवन मोर। बाप कहते हैं तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। द फादर सेज यू कैन बिकम वर्दी ऑफ गोइंग टू द प्योर वर्ल्ड आफ्टर बिकमिंग प्योर फ्रॉम इम्प्योर। कल्प कल्प बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। द फादर सेज इन एवरी साइकिल रिमेम्बर मी अलोन, कोई दूजम को याद मत करो। डोंट रिमेम्बर एनीवन एल्स, क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन। माम एकम माने एक तुरिया बिंदु को याद करें। माम एकम डज इट मीन दैट वी शुड रिमेम्बर द वन यूनिक पॉइंट। शिव ज्योति बिंदु को याद करें। शुड वी रिमेम्बर शिव द पॉइंट ऑफ लाइट। परंतु पता कैसे लगेगा कि यही ज्योति बिंदु तुरिया ज्योति बिंदु है। बट हाउ विल वी कम टू नो दैट दिस वेरी पॉइंट ऑफ लाइट इज द यूनिक पॉइंट ऑफ लाइट। वो पता ही तब लगता है जब साकार सृष्टि में आते हैं और साकार तन में प्रवेश करते हैं। वी कम टू नो दैट ओनली वेन ही कम्स इन दिस साकार दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड एंटर्स अ साकार बॉडी। तभी तो कहते हैं कहने के लिए मुख चाहिए कि माम एकम याद करो। इट इज ओनली देन दैट ही सेज A mouth is required to say something. He says, "Remember me alone." अर्थात साकार में निराकार को याद करो। It means remember the incorporeal one in the corporeal one. इस याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। You have to become pure only through this journey of remembrance. क्योंकि अभी पावन दुनिया आ रही है। Because now the pure world is arriving. और पतित दुनिया का विनाश होना है। एंड द इम्प्योर वर्ल्ड इज टू बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले पहले बाप का परिचय दे करके पक्का कराना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देम फर्म बाय गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर। जब पक्का बाप को समझ जाए, व्हेन दे अंडरस्टैंड द फादर फर्मली, तब समझें कि बाप से वर्षा मिलता है। इट इज देन दैट दे अंडरस्टैंड That the inheritance is received from the father. इसमें माया भुलाती बहुत है। माया makes you forget a lot in this. तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की। You try to remember Baba. फिर भी भूल जाते हो। Still you forget him. शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। The sins will be cut only by remembering Shiv Baba. ये नहीं कहा ब्रह्मा बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। It wasn't said the sins will be cut by remembering Brahma Baba. ये भी नहीं कहा कि शिव बाप को याद करने से पाप कटेंगे। It was not said that the sins will be cut by remembering the father Shiv either. इसको याद करने से पाप कटेंगे। By remembering whom will the sins be cut? शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। The sins will be cut by remembering Shiv Baba. इन द्वारा बताते हैं। He tells you this through these ones. किन द्वारा? Through whom? बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला है। The father is the one who establishes the household path. गृहस्थ धर्म की स्थापना करने वाला है। He is the one who establishes the practices of the household. तो बेहद की गृहस्थी रामकृष्ण की बेहद की गृहस्थी है। सो द अनलिमिटेड हाउस होल्ड राम एंड कृष्णा हैव एन अनलिमिटेड हाउस होल्ड। उनमें एक आत्मा हीरो और एक आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाने वाली। बिटवीन देम वन सोल प्लेज द रोल ऑफ हीरो एंड द अदर सोल प्लेज द रोल ऑफ हीरोइन। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। The devotees also say, "You are our mother and father, and we are your children." त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
यू आर द मदर एज वेल एज द फादर। कोई बिंदी बाप को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। द पॉइंट फादर इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। क्योंकि माता पिता तो मेल फीमेल को कहा जाता है। बिकॉज द मेल एंड द फीमेल आर कॉल्ड द मदर एंड द फादर। तो जरूर प्रैक्टिकल रूप धारण करते हैं। सो दे डेफिनेटली टेक अ प्रैक्टिकल फॉर्म। फिर भी बच्चे धंधे धोरी में मुझे भूल जाते हैं। नेवरदलेस चिल्ड्रन फॉरगेट मी व्हाइल इन देयर बिजनेस। तो ये भूलना नहीं चाहिए। सो दे शुड नॉट फॉरगेट मी लाइक दिस। ये भूल बनना ही मेहनत की बात है। इट इज इन बिकमिंग अ भूल मीनिंग अनफॉरगेटफुल दैट देयर इज हार्ड वर्क इन्वॉल्वड। परंतु माया रावण भुलाई देती है। बट माया रावण मेक्स यू फॉरगेट। क्यों भुलाई देती है? व्हाई डज शी मेक यू फॉरगेट? क्योंकि रावण के अनेक सिर हैं। बिकॉज रावण हैज मेनी हेड्स। अनेक सिरों से अनेक मतें देता है। ही गिव्स मेनी ओपिनियंस थ्रू मेनी हेड्स। भ्रमित कर देता है। ही मिसलीड्स यू। बाप को याद करने से पाप कटेंगे। द सिंस विल बी कट बाय रिमेम्बरिंग द फादर। इसका भी समय है। देयर इज टाइम फिक्स्ड फॉर दिस टू। कि कितने समय में बाप को याद करते करते तुमको कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू रीच द कर्मातीत स्टेज व्हाइल रिमेम्बरिंग द फादर। द कर्मातीत स्टेज द स्टेज बियॉन्ड इफेक्ट ऑफ एक्शंस। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। द वन हु हैज अटेंड द कर्मातीत स्टेज इज कॉल्ड फरिश्ता एन एंजल। फर्श की दुनिया में उनके बुद्ध रूपी पाँव नहीं पड़ते। दे डोंट कीप देयर फुट लाइक इंटेलेक्ट इन द वर्ल्ड ऑन दिस ग्राउंड। उनका कोई देहधारी से अटैचमेंट नहीं होता। दे डोंट हैव अटैचमेंट टू एनी बॉडीली बींग। तो ये पक्का याद करो। सो रिमेम्बर दिस फर्मली। कि बाप का परिचय देना कैसे और किसको समझावे। हाउ वी शुड गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर एंड टू होम वी शुड एक्सप्लेन। पात्र को देख करके ज्ञान दिया जाता है। द नॉलेज इज गिवन टू समवन सीन टू बी वर्दी ऑफ इट। तो पक्का निश्चय भी हो जाए कि आत्मा आत्मा भाइयों को बाप समझाते हैं। देन इट विल बिकम फर्म टू द वन हुम यू एक्सप्लेन टू दैट द फादर एक्सप्लेन्स टू द ब्रदर लाइक सोल्स। बाप का पैगाम सबको देना है। यू हैव टू गिव द मैसेज ऑफ द फादर टू ऑल। कहते हैं भगवान के पास चलूं। दे द पीपल से आई विल गो टू गॉड। दीदार करूं। आई विल सी हिम। परंतु ये तो कायदे के विरुद्ध है। बट दिस इज अगेंस्ट द रूल। दीदार करना ही कायदे के विरुद्ध हो जाता है। टू सी इज अगेंस्ट द रूल। क्योंकि न तो आत्मा को इन आँखों से देख सकते हैं। बिकॉज नीदर कैन द सोल बी सीन थ्रू दीज आईज। और न परम पिता परमात्मा को इन आँखों से देखा जा सकता है। नॉर कैन द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल बी सीन थ्रू दीज आईज। हाँ, तीसरी आँख से ज्ञान के नेत्र से समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। यस इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द थर्ड आई और द आई ऑफ नॉलेज एंड देन एक्सप्लेन्ड। बाकी दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। एज फॉर द रेस्ट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीइंग एट ऑल। भगवान आकर के सिखलाते हैं। गॉड कम्स एंड टीचर्स अस। और मुख से कहते हैं कि तुम मुझे अपने बाप को याद करो। एंड सेज थ्रू द माउथ रिमेम्बर मी योर फादर। याद करने से ही तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। जस्ट बाय रिमेम्बरिंग मी ऑल योर सिंस विल बी कट। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। वेर एवर यू सिट इन बिजनेस एटसेट्रा यू शुड रिमेम्बर द फादर अगेन एंड अगेन। बाप ने हुक्म दिया है कि मुझे याद करो। द फादर हैज गिवन द ऑर्डर रिमेम्बर मी। और याद करने वालों में भी विजयी कौन बनेंगे। एंड ऑल्सो अमंग दोज हु रिमेम्बर हु विल बिकम विक्टोरियस। विन कौन करेंगे।
हु विल विन? विजयी वो बनेंगे जो निरंतर याद करेंगे। दोज हु रिमेम्बर द फादर कॉन्स्टेंटली विल बिकम विक्टोरियस। और निरंतर याद कैसे ठहरेगी? एंड हाउ विल द रिमेम्बरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट? निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से निरंतर याद ठहरेगी। Will the remembrance remain constant by remembering the incorporeal point of light? बिंदु को तो खींच के याद करना पड़ता है। In fact, the point has to be remembered forcefully. परंतु जब ये पता लग जाए, पक्का निश्चय हो जाए। But when you come to know, when you have firm faith, कि वो ज्योति बिंदु कौन से मुकर्रर रथ में आया हुआ है? In which permanent chariot? That point of light has come. और किस मुकर्रर रथ के द्वारा? And through which permanent chariot? हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। He gives us the inheritance of liberation and liberation in life. उसे संसार चक्र से छुड़ाता है। And releases us from this world cycle. तो ऐसे साकार में निराकार बाप को पहचानने से याद भी निरंतर टिकेगी। Then, by recognizing this incorporeal father within the corporeal one in this way, the remembrance will also remain constant. क्योंकि जिस चीज को practically आँखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है. Because the thing which is seen through the eyes in practice, heard through the ears, हाथों से स्पर्श किया जाता है. या कोई भी इंद्रियों से अनुभव किया जाता है। टच्ड विद द हैंड्स और एक्सपीरियंस्ड थ्रू एनी ऑफ द ऑर्गन्स, वो चीज याद जरूर आती है। दैट थिंग इज सर्टेनली रिमेम्बर्ड। ऐसे ही याद नहीं आती है। इट इज नॉट रिमेम्बर्ड सिंपली। फिर बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना है। देन द फादर सेज बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। Whatever is predetermined is being enacted. Nothing new is to be enacted now. अर्थात 63 जन्मों का जिनका हिसाब किताब होगा। Meaning, those who have the karmic accounts of 63 births. जिन्होंने ज्यादा संग किया होगा उनको ऑटोमेटिक याद आवेगी। Those who would have been more in his company, they will remember him automatically. उदाहरण के तौर पर ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा का विशेष साथ रहता है प्रैक्टिकल जीवन में। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स जगदम्बा स्पेशली रिमेन्स इन हिज कंपनी इन द प्रैक्टिकल लाइफ। और राधा का उतना साथ नहीं रहता। एंड राधा डजंट रिमेन इन हिज कंपनी टू दैट एक्सटेंट। फिर प्राप्ति में क्या अंतर पड़ता है? देन व्हाट डिफरेंस अकर्स इन देयर अटेनमेंट? कौन विन करता है? हु विन्स? कौन नारी से लक्ष्मी बनता है? हु बिकम्स लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन? राधा बनती है। Does Radha become Lakshmi? या जगदम्बा सीता बनती है। Or does Jagdamba, that is Sita, become Lakshmi? राधा बनती है। Radha becomes Lakshmi. परंतु प्रैक्टिकल जीवन में साथ होता है क्या? But does she remain in his company in the practical life? पुरुषार्थी जीवन में? In the पुरुषार्थी life, that is life of making spiritual effort. होता है या नहीं होता है? Does she remain in his company or not? है? नहीं होता है। शी डजंट रिमेन इन हिज कंपनी। फिर कैसे जास्ती याद आती है? देन हाउ डज शी रिमेम्बर हिम मोर? फिर कैसे निरंतर याद टिक जाती है? देन हाउ डज द रिमेम्बरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट? जरूर कहेंगे बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। इट विल सर्टेनली बी सेड बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों का हिसाब किताब है। देर आर द कार्मिक अकाउंट्स ऑफ 63 बर्थ्स, जो एक के साथ जुड़ा हुआ है। दैट आर कनेक्टेड विथ वन। वो हिसाब किताब बुद्धि को खींचता है। दोज कार्मिक अकाउंट्स
अट्रैक्ट द इंटेलेक्ट, बुद्धि याद में टिक जाती है। द इंटेलेक्ट बिकम्स स्टेडी इन रिमेम्बरेंस, निश्चय पक्का बैठ जाता है। शी डेवलप्स फर्म फेथ, तो ऐसे नहीं कि आंखों से दीदार हो तब ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। सो इट इजंट सो दैट ओनली व्हेन वी सी थ्रू द आईज अवर सोल विल बी बेनिफिटेड। दीदार करना माने इन दीदा, इन आंखों को दीदा कहा जाता है। टू सी, दीदार करना मींस दीदा, दीज आईज आर कॉल्ड दीदा। कोई भी इंद्रियों से प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करने और न करने में अंतर पड़ जाता है। देर इज अ डिफरेंस इन एक्सपीरियंसिंग एंड नॉट एक्सपीरियंसिंग थ्रू एनी ऑर्गन्स इन द प्रैक्टिकल लाइफ। पूर्व जन्मों का भी हिसाब किताब है। देर आर द कार्मिक अकाउंट्स ऑफ द पास्ट बर्थ्स एज वेल, क्योंकि बाप ने बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। इट इज बिकॉज द फादर हैज सेड नथिंग एग्जिस्ट फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ओनली द वन शिव बाबा ऑलवेज एग्जिस्ट। तो जब एक ही शिव बाबा 84 जन्म में लगातार कायम है, सो व्हेन ओनली द वन शिव बाबा इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द 84 बर्थ्स, तो उसका संग करने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होंगे ना। दोज हु कम इन हिज कंपनी विल ऑल्सो बी नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ, वोंट दे। तो वो संग का रंग भी खींचता है। सो दैट कलर ऑफ द कंपनी ऑल्सो अट्रैक्ट्स। तो ये बात झूठी हो जाती है कि दीदार करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। सो दिस बिकम्स अ फॉल्स बिलीफ दैट वी विल बी बेनिफिटेड ओनली व्हेन वी सी हिम, क्योंकि ये आंखें तो स्थूल हैं, विनाशी हैं, और तीसरी आंख तो अविनाशी है। इट इज बिकॉज दीज आईज आर सर्टनली फिजिकल एंड पेरिशेबल एंड द थर्ड आई इज सर्टनली इम्पेरिशेबल। अविनाशी आंख से भी देखा जाता है। वी कैन ऑल्सो सी थ्रू द इम्पेरिशेबल आई, परंतु उसके लिए ज्ञान चाहिए। बट फॉर दैट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ये दीदार आदि करना कायदे के विरुद्ध है। सो टू सी एंड सो ऑन इज अगेंस्ट द रूल। भगवान आकर के सिखलाते हैं। गॉड कम्स एंड टीचेस अस, और मुख से कहते हैं मनुष्य निराकार बाप को याद करो, घड़ी घड़ी याद करो। एंड सेज थ्रू द माउथ, रिमेम्बर मी द इनकॉर्पोरियल फादर, रिमेम्बर मी अगेन एंड अगेन। निरंतर याद करो। एंड रिमेम्बर मी कंटिन्यूअसली। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। इफ यू डोंट रिमेम्बर मी योर मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड। क्यों? व्हाई? क्योंकि ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इट इज बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द फादर नो वन एल्स कैन टीच दिस स्टडी। याद से ही पाप कटेंगे, नहीं तो देवता नहीं बन सकेंगे। The sins will be cut only through remembrance. Otherwise, you can't become a deity. जो अच्छी रीति सुनते हैं उनके सामने जाने से, उनके नैन चैन से मालूम पड़ जाता है। Those who listen to the knowledge well, on going in front of them, it is known by their eyes and disposition. कि इनकी बुद्धि में बैठता है। That the knowledge sits in their intellect. तो चक्र को याद करना है, बाप को याद करना है, चक्रवर्ती राजा बनना है। सो यू शुड रिमेम्बर द साइकिल दैट इज चक्र, यू शुड रिमेम्बर द फादर एंड बिकम अ चक्रवर्ती राजा, एन एम्परर। बच्चों को समझाया हुआ है कि तुम 84 का चक्र कैसे फिरते हो। इट हैज बीन एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन हाउ यू टेक द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। अपने आप से ही माथा मारना होता है। You have to rack your own brain. अर्थात अपने अंदर अंदर ही मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। Meaning, you should think and churn within yourself. अपनी आत्मा का दीदार पहले करना चाहिए। You should have a look at your soul first. कि मेरी आत्मा
कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन किन साथियों के साथ 84 जन्म लेती है। हाउ वेयर विथ विच कंपेनियंस डज माय सोल हैव द 84 बर्थ्स। अभी तुम बाप के बने पड़े हो। नाउ यू हैव बिकम द चिल्ड्रन ऑफ द फादर। जरूर निश्चय है तब तो यहाँ रहे पड़े हो। यू सर्टेनली हैव फेथ ओनली देन आर यू लिविंग हियर। फिर भी तुमको माया कहाँ न कहाँ पकड़ करके गिरा देती है। नेवरदलेस माया कैचेस होल्ड ऑफ यू समवेयर और दी अदर एंड मेक्स यू फॉल। तो कर्मातीत अवस्था में पहुँचने के लिए मेहनत करनी है। सो यू शुड वर्क हार्ड टू रीच द कर्मातीत स्टेज। और वो तीव्र मेहनत अंत में होगी। एंड दैट इंटेंस हार्ड वर्क विल बी डन इन दी एंड। और वो अंत की बात कोई की भी समझ में आ सकती है। एंड एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक ऑफ दी एंड। इसलिए अभी से पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। दैट इज व्हाई यू शुड बी एंगेज्ड इन मेकिंग पुरुषार्थ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में भी काम आवेगा। द पुरुषार्थ ऑफ अ लॉन्ग टाइम विल कम इन यूज इन द एंड एज वेल। नित नया तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। योर पुरुषार्थ शुड कंटिन्यू डेली अन्यू। तुमको ये निश्चय करना है बेहद के बाबा से हमको याद की यात्रा से बेहद का वर्षा लेना है। यू हैव टू हैव द फेथ वी हैव टू टेक द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनलिमिटेड बाबा थ्रू द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। इसी में माया विघ्न डालती है। माया क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन दिस वेरी थिंग। कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। शी मेक्स सम फॉरगेट बाबा फॉर द होल डे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इट शुड सर्टनली नॉट हैपन लाइक दिस। याद करने में कभी भी थकावट नहीं होती है। यू नेवर फील टायर्ड इन रिमेम्बरेंस। बाप के हम बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द फादर। यही हमारा सबक है। दिस इटसेल्फ इज अवर लेसन। इसको भूलने से बहुत घाटा पड़ जाता है। बाय फॉरगेटिंग दिस यू सफर अ ग्रेट लॉस। वेद के बाप से थ्रू द अनलिमिटेड फादर बार बार हमको वर अर्थात वरदान अर्थात वर्षा मिलता है। वी रिसीव ब्लेसिंग्स वर मीनिंग बूंस वरदान दैट इज द इनहेरिटेंस दैट इज वर्षा अगेन एंड अगेन। फिर भूलने से ड्रामा में पार्ट है। देन टू फॉरगेट द फादर इज अ पार्ट इन द ड्रामा। बाप के सम्मुख रहने से बाप को भूलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट फॉरगेट द फादर व्हाइल बीइंग फेस टू फेस विथ हिम। जबकि बाप कहते हैं मुझे याद करो। व्हाइल द फादर सेज रिमेम्बर मी। लौकिक बाप तो नहीं कहते। द वर्ल्डली फादर्स सर्टेनली डोंट से दिस। वो ऐसे नहीं कहेंगे देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। दे विल नॉट से लीव ऑल द बॉडीली रिलेशनशिप्स कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल। शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। लीव द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी एंड रिमेम्बर मी। एक की याद से ही पाप कटेंगे। द सिंस विल बी कट ओनली थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन। तुम सतो प्रधान बनते जाते हो। यू कंटिन्यू टू बिकम सतो प्रधान। अर्थात तुम्हारे पाप कटते जाते हैं। मीनिंग योर सिंस कंटिन्यू टू बी कट। तो ये याद करने का धंधा तो बहुत खुशी से करना चाहिए। सो यू शुड डू दिस बिजनेस ऑफ रिमेम्बरिंग द फादर वेरी हैप्पीली। ये गीता में भी है परंतु ये बात कोई की बुद्धि में ठहरती नहीं है। दिस इज इन द गीता एज वेल बट दिस टॉपिक डजंट सिट इन एनीवन्स इंटेलेक्ट। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। द ब्राह्मिन्स देमसेल्व्स बिकम डेटीज। शूद्र से डायरेक्ट देवता तो नहीं बन सकते। दे सर्टेनली कांट बिकम डेटीज फ्रॉम शूद्रास डायरेक्टली। शूद्रा अनटचेबल द फोर्थ एंड द लोवेस्ट डिविजन ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी। ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। द शूद्रास आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्राह्मिन्स थ्रू ब्रह्मा। फिर ब्राह्मणों को बाप बैठ शिक्षा दे करके देवता बनाते हैं। देन द फादर सिट्स एंड टीचेस द ब्राह्मिन्स एंड मेक्स देम डेटीज। तो ऐसे बाप को भोजन खाने के समय भी याद करना है। सो यू शुड रिमेम्बर सच अ फादर इवन व्हाइल ईटिंग फूड। इसलिए ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है। दिस इज व्हाई देयर इज सो मच प्रेज ऑफ द ब्रह्मा भोजन द फूड प्रिपेयर्ड और ईटन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। जो फिर महिमा भक्ति मार्ग में भी चलती है। दैट प्रेज देन कंटिन्यूज इन द पाथ ऑफ भक्ति डिवोशन एज वेल।
या तो बाप कहते हैं सभी को भूले, एक बाप को याद करना है। हियर द फादर सेज बाय फॉरगेटिंग एवरीवन एल्स यू हैव टू रिमेम्बर द वन फादर। ये गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे। दिस सीक्रेट प्रैक्टिस ऑफ यू चिल्ड्रन शुड गो ऑन। इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। इन दिस देयर इज बेनिफिट फॉर योर सेल्फ। अपन को देखना है मैं बाबा को याद करता हूँ। यू शुड चेक योर सेल्फ डू आई रिमेम्बर बाबा। याद में बड़ी खबरदारी रहनी चाहिए इस बात की। यू शुड बी वेरी अलर्ट इन रिमेम्बरेंस अबाउट वॉट है। इस बात की खबरदारी रहनी चाहिए। अबाउट वॉट शुड यू बी अलर्ट। अरे याद में कोई और दूसरा देहधारी इंटरफियर न करने पाए। अरे नो अदर बॉडीली बींग शुड इंटरफियर इन द रिमेम्बरेंस। तुम पुरुष बनते हो। यू बिकम पुरुष। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम पक्के पक्के पुरुष बनते हो। यू बिकम अ रियल पुरुष इन द एलिवेटेड दैट इज पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। पुरु कहा जाता है शरीर को, पुरी। द बॉडी इज कॉल्ड पुरु, पुरी। श माने शेते, आराम करने वाला। श मीन्स शेते, दैट इज द वन हु रेस्ट्स। इस शरीर रूपी पुरी में तुम आराम करने वाले पक्के पुरुष हो। यू आर द रियल पुरुष हु रेस्ट्स इन दिस पुरी लाइक बॉडी। कौन सा यादगार चित्र है। विच पिक्चर इज अ मेमोरियल ऑफ दिस। है नारायण विष्णु। द पिक्चर ऑफ नारायण विष्णु। वो क्षीर सागर में दिखाते हैं। दे शो हिम इन द ओशन ऑफ मिल्क क्षीर सागर। ये तो विषय सागर कलयुग है। दिस इज सर्टेनली द ओशन ऑफ वाइसेस द आयरन एज। तो इस बात को समझने में संशय नहीं आना चाहिए। सो देयर शुडंट बी एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। अगर आता है तो संशय कुछ न कुछ है? संशय बुद्धि विनश्यते। इफ अ डाउट अराइजेस टू सम एक्सटेंट अ डाउटफुल इंटेलेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। काय का विनाश हो जाता है। व्हाट इज डिस्ट्रॉयड। पद का विनाश हो जाता है। द पोजिशन इज डिस्ट्रॉयड। कोई भी संशय पड़े तो बताना चाहिए। इफ एनी डाउट अराइजेस यू शुड टेल द फादर। मेहनत है अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करना। टू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर द वन फादर इज हार्ड वर्क। आधा कल्प रावण के बने। फॉर हाफ अ कल्पा यू बिलोंग टू रावण। अर्थात 10 सिर वाले के बने। मीनिंग यू बिलोंग टू द वन हु हैज 10 हेड्स। अभी एक राम के बनते हो। नाउ यू बिलोंग टू द वन राम। इसलिए रामलीला में राम को एक सिर दिखाते हैं। दिस इज व्हाई इन रामलीला दैट इज अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डीड्स ऑफ राम। राम इज शोन विद वन हेड। और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। एंड रावण इज शोन विद मेनी हेड्स। तो बाप कहते हैं कितने भी तूफान आए फिर भी बाप को याद जरूर करना है। सो द फादर सेज However much the storms come, you should certainly remember the father. क्योंकि ये रावण राज्य है। Because this is the kingdom of Ravan. राम राज्य नहीं है। This isn't the kingdom of Ram. राम का राज्य इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। The kingdom of Ram is nowhere in this world. क्योंकि मधुबन में भी माया आती है। Because माया comes in Madhuban as well. चढ़ती कला और उतरती कला तुम्हारी याद के ऊपर है, तुम्हारी सेवा के ऊपर है। चढ़ती कला स्टेज ऑफ असेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज एंड उतरती कला स्टेज ऑफ डिसेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज आर बेस्ड ऑन योर रिमेम्बरेंस ऑन योर सर्विस। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। द चिल्ड्रन शुड हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। द अपोजिंग एक्शंस आर डिस्ट्रॉयड ओनली थ्रू रिमेम्बरेंस। समझाना चाहिए
इस समय सभी आत्माएं तमो प्रधान है। यू शुड एक्सप्लेन एट प्रेजेंट ऑल द सोल्स आर तमो प्रधान। और सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान होंगी। एंड इन द गोल्डन एज ऑल द सोल्स विल बी सतो प्रधान। बाप बच्चों को ही कहते हैं जिन्होंने भक्ति में धक्के खाए हैं। द फादर सेज दिस ओनली टू द चिल्ड्रन हु हैव सफर्ड ब्लोज इन भक्ति दैट इज डिवोशन। परंतु उस भक्ति में भी कितने खुश रहते हैं। बट दे रिमेन सो हैप्पी इवन इन दैट भक्ति। मीरा खुशी में कितना डांस करती थी। मीरा अ फीमेल डिवोटी ऑफ कृष्णा यूज टू डांस सो मच इन हैप्पीनेस। और यहाँ तो ढेर डांस करते हैं। एंड हियर देर आर मेनी हु डांस। कहाँ की बात बताई। दिस वॉज सेड अबाउट वेयर। ब्रह्मा कुमारी बहने जो साक्षात्कार में जाती थी। द ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स हु यूज टू हैव विजन्स। ध्यान में जाती थी वो ध्यान में क्या करने लग पड़ती थी। हु यूज टू गो इन ट्रांस व्हाट डिड दे यूज टू डू इन ट्रांस। डांस करने लग पड़ती थी। दे यूज टू डांस। बाबा तो बंद कराई दिया। बाबा स्टॉप्ड दिस। क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। बिकॉज देर इज नो बेनिफिट इन इट। ऐसी आदत को मिटाए देना चाहिए। यू शुड गिव अप सच अ हैबिट। इनको अव्यक्त घूमना फिरना कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉन्डरिंग अबाउट इन अ सटल फॉर्म। यहाँ तो है पढ़ाई और याद। देर इज ओनली स्टडी एंड रिमेम्बरेंस हियर। और याद भी एक्यूरेट चाहिए। एंड द रिमेम्बरेंस ऑल्सो शुड बी एक्यूरेट। बाप को याद करना सहज है। इट इज इजी टू रिमेम्बर द फादर। याद करना भी सहज है समझाना भी सहज है। इट इज इजी टू रिमेम्बर एज वेल एज टू एक्सप्लेन। परंतु अपन को आत्मा समझना ही घड़ी घड़ी भूल जाते। बट यू फॉरगेट अगेन एंड अगेन टू कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ सोल। ये भी ड्रामा में नूद है। दिस इज फिक्स्ड इन द ड्रामा टू। सृष्टि का चक्र तो बुद्धि में है। द वर्ल्ड साइकिल इज सर्टनली इन द इंटेलेक्ट। हाँ शास्त्रों में सृष्टि चक्र का ड्यूरेशन लंबा कर दिया है। यस इन द स्क्रिप्चर्स द ड्यूरेशन ऑफ द वर्ल्ड साइकिल हैज बीन मेड लॉन्ग। भक्ति मार्ग में गपोड़े बहुत मारे हैं। इन द पाथ ऑफ भक्ति दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रूमर्स। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट धन भ्रष्ट हो पड़े। दे बिकेम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट धन भ्रष्ट दैट इज करप्ट इन रिलीजन एक्शंस एंड वेल्थ। बंदरों मुआफिक कूतरों मुआफिक बिच्छुओं मुआफिक बच्चे पैदा करते रहते हैं। दे कीप गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन लाइक मंकीज डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस। फिर पेट चीर करके भी बच्चा निकालते हैं। देन दे ऑल्सो टेक आउट द चाइल्ड बाई कटिंग ओपन द स्टमक। कितना इजी कर दिया। दे हैव मेड इट सो इजी। ये भी कामी पुरुषों की युक्ति है। दिस इज ऑल्सो द आइडिया ऑफ लस्टफुल मैन। ये पुरुष क्या क्या करते कराते रहते हैं। वॉट दीज मैन डू एंड मेक अदर्स डू। अभी तो देखो हार्ट निकाल करके दूसरा डालते हैं। नाउ डू लुक दे टेक आउट वन हार्ट एंड रिप्लेस इट विद अनदर वन। अरे इसमें रखा ही क्या है। अरे व्हाट इज द यूज ऑफ इट। ये तो पुरानी दुनिया ही खलास होनी है। दिस ओल्ड वर्ल्ड इटसेल्फ हैज टू फिनिश। जब परमातीत अवस्था हो जाएगी तब ही विनाश शुरू होगा। व्हेन यू अटेन द कर्मातीत स्टेज ओनली देन विल द डिस्ट्रक्शन स्टार्ट। आगे चल तुम साक्षात्कार भी बहुत करेंगे। इन फ्यूचर यू विल हैव मेनी विजन्स एज वेल। साक्षात्कार भी करेंगे और चारों ओर से आवाज सुनेंगे। यू विल हैव विजन्स एज वेल एज यू विल हियर वॉइसेस दैट इज ग्लोरी फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस। समझाने की बड़ी युक्ति होती है। देर इज अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। कोई तो जैसे खुद भी समझते नहीं है तो औरों को क्या समझावेंगे। सम डोंट सीम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स देन व्हाट विल दे एक्सप्लेन टू अदर्स। जो किसको समझा सकते हैं। दोज़ हु कैन एक्सप्लेन टू अदर्स। तो उस दुनिया में उनका रहना फालतू है। इट इज यूजलेस फॉर देम टू लिव इन दैट इज ओल्ड वर्ल्ड।
यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हियर द चिल्ड्रन कम टू रिफ्रेश देमसेल्व्स। यहाँ आए, थोड़ा टाइम रहे, ये गए। दे केम हियर, स्टेड फॉर सम टाइम एंड देन दे लेफ्ट इमीडिएटली। कोई कोई मकान आदि बनाते हैं। सम मेक अ हाउस एटसेट्रा। तो उनको कहा जाता है। देन दे आर टोल्ड, ये मकान आदि बनाने में क्यों मिट्टी में पैसा डुबोते हो। वाई डू यू वेस्ट मनी इन सॉइल इन मेकिंग दीज हाउसेस एटसेट्रा। सभी तरफ झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। देर इज नथिंग बट ओनली क्वारल गोइंग ऑन एवरीवेयर। मौत तो सामने खड़ा है। डेथ इज सर्टनली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये समय बड़ा नाजुक है। दिस टाइम इज वेरी डेलिकेट। तो कोई कोई तो स्टूडेंट्स बिगड़ पड़ते हैं। सो सम स्टूडेंट्स डू बिकम अनॉयड। बाप कहते हैं इस समय सिविल वार से ही मारामारी हो जाएगी। द फादर सेज एट दिस टाइम द फाइट विल टेक प्लेस थ्रू सिविल वॉर इटसेल्फ। बरोबर, कलयुग में तमो प्रधान है। सर्टनली ऑल आर तमो प्रधान इन द आयरन एज। यहाँ थुक सुख थोड़ा ही हो सकता है। देर कांट बी हैप्पीनेस हियर। कोई थोड़ा सा लोड़ा आया और ये मकान गिरा। इफ अ लिटिल स्टॉर्म कम्स द हाउस कोलैप्सेस इमीडिएटली। नहीं नहीं, मकान बनाते रहते हैं आराम से रहने के लिए। दे कीप बिल्डिंग न्यू हाउसेस टू स्टे कम्फर्टेबली। अभी बच्चे तो जानते हैं कि पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। नाउ द चिल्ड्रन नो दैट अर्लियर इट वॉज हेवन एंड नाउ इट इज हेल। इसको ड्रामा ही कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड अ ड्रामा इंडीड। और ये समझना तो कॉमन बात है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉमन थिंग। कोई भी समझ सकते हैं ये सृष्टि का चक्र है। Anyone can understand that this is a world cycle. तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। Your very name is Sudarshan Chakradhari, the one who rotates the wheel of self-realization. बाप ने सारी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान तुमको दिया है। The father has given the knowledge of the beginning, the middle and the end of the entire creation to you. बाप कहते हैं पहले तो तुम भी नहीं जानते थे। The father says, earlier you two didn't know. मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। I explain to you children. और बहुत सहज समझाता हूँ। And I explain in a very easy way. भक्ति मार्ग में 7 रोज अखंड पाठ रखते हैं। In the path of bhakti, they keep akhand path for 7 days. Akhand path, continuous recitation. समझू जो होते हैं वो तो झट समझ जाते हैं। Those who are sensible, they understand quickly. बहुत इजी है। It is very easy. कोई भी 7 रोज में अच्छी रीति पढ़ करके टीचर बन सकते हैं। Anyone can study nicely and become a teacher within 7 days. बाप का परिचय ही तो देना है। You have to give just the introduction of the father, haven't you? बाप ने समझाया है। देखो अच्छा समझते हैं तो पहले भक्ति जरूर इन्होंने अच्छी की। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, लुक दे अंडरस्टैंड नाइसली विच मीन्स दे सर्टेनली हैव परफॉर्म्ड भक्ति अ लॉट अर्लियर। जिन्होंने अच्छी भक्ति की है वो ही आवेंगे। ओनली दोज हु हैव परफॉर्म्ड भक्ति अ लॉट विल कम। भक्ति नहीं की है तो आवेंगे भी नहीं। दोज हु हैव नॉट परफॉर्म्ड भक्ति वोंट कम ईदर। आगे चलकर हरेक की बात से चलन से झट तुम बच्चों को भी पता पड़ जाएगा। इन फ्यूचर यू चिल्ड्रन विल कम टू नो इमीडिएटली बाय द स्पीच एंड एक्शंस ऑफ एवरीवन। ये पुराना भक्त है या नहीं है। वेदर ही इज एन ओल्ड भक्त दैट इज डिवोटी और नॉट। ये ज्ञान की प्रवृत्ति वाला है या भक्त है। इज ही द वन विद द टेंडेंसी ऑफ नॉलेज और इज ही अ भक्त। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो ज्ञान दे ही नहीं सकते। दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ रिनन्सिएशन निवृत्ति कैनॉट गिव नॉलेज एट ऑल। बाप कहते हैं इस समय तक जो भी पास हुआ वो ड्रामा है। द फादर सेज वट एवर हैज पास्ड टिल दिस टाइम इज ड्रामा। बाप ने समझाया इस ड्रामा में सभी एक्टर्स हैं। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड Everyone is an actor in this drama. वो आसुरी संप्रदाय भी एक्टर्स हैं।
दोज बिलोंगिंग टू द डिमोनिक कम्युनिटी आर ऑल्सो एक्टर्स. तुम भी एक्टर हो. एंड यू आर एन एक्टर टू. ये कोई ग्लानी की बात नहीं है. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिफेमेशन. समझ की बात है. इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. रचना के आज मध्यंत का राज बाप बच्चों को ही सुनाते. द फादर नरेट्स द सीक्रेट ऑफ द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएशन ओनली टू द चिल्ड्रन. बाप समझाते हैं देवताओं आदि सभी की कितनी निंदा कर दी है. द फादर एक्सप्लेन्स दे हैव डिफेम्ड एवरीवन इंक्लूडिंग द डेटीज एटसेट्रा सो मच. कोई निंदा करते हैं तो उन पर केस चलाया जाता है. इफ समवन डिफेम्स समवन एल्स अ केस इज फाइल्ड अगेंस्ट देम. बाप भी कहते हैं तुमने निंदा की है तो अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है. द फादर ऑल्सो सेज यू हैव डिफेम्ड मी सो लुक वॉट योर कंडीशन हैज बिकम नाउ. धर्मराज ने दंड दे दिया. धर्मराज हैज पनिश्ड यू. अभी भी समय बहुत थोड़ा है. इवन नाउ देयर इज वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट. बहुत वेद शास्त्र पढ़े हुए भी आते हैं. मेनी हु हैव रेड द वेदास एंड द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो कम. फिर उनमें से कोई कोई समझते भी हैं कि ये तो वेद शास्त्रों का भूसा है. देन अमंग देम सम ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंडीड द हस्क ऑफ द वेदास एंड द स्क्रिप्चर्स. इस भूसे से ही तुम्हारी दुर्गति हुई है. इट इज ओनली ड्यू टू दिस हस्क दैट यू हैव अंडरगॉन डिग्रेडेशन. अब ये ट्रां ट्रां बंद करो. नाउ स्टॉप दिस ट्रां ट्रां दैट इज द क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स. इनको पढ़ने से ही दुर्गति हो गई. यू हैव अंडरगॉन डिग्रेडेशन जस्ट बाय रीडिंग देम. फिर किसकी महिमा करते हो. देन हूज प्रेज डू यू सिंग. जब शास्त्रों को पढ़ने से ही दुर्गति हो गई. वेन यू हैव अंडरगॉन डिग्रेडेशन जस्ट बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. तो महिमावान कौन है वो समझना चाहिए ना. यू शुड अंडरस्टैंड हु इज प्रेज वर्दी. महिमावान शुडंट यू. कृष्ण महिमावान है या भगवान महिमावान है. इज कृष्ण प्रेज वर्दी और इज गॉड प्रेज वर्दी. भगवान आकर के नरको प्रिंस कृष्ण बनाते हैं या नरको नारायण बनाते हैं. डज गॉड ट्रांसफॉर्म अ मैन इंटू अ प्रिंस कृष्णा और डज ही ट्रांसफॉर्म अ मैन इंटू नारायण आफ्टर कमिंग समवन सेड नारायण. तो नारायण ऊंचा है या सतयुग में जन्म लेने वाला प्रिंस ऊंचा है. सो इज नारायण हाई और इज द प्रिंस हु इज बोर्न इन द गोल्डन एज हाई. इसलिए शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानी नहीं है. देयरफॉर देयर इज नो डिफेमेशन ऑफ नारायण इन द स्क्रिप्चर्स. सब देवताओं की ग्लानी है. देयर इज द डिफेमेशन ऑफ ऑल द डेटीज इन द स्क्रिप्चर्स. 33 करोड़ देवताओं की ग्लानी कर दी है. दे हैव डिफेम्ड 330 मिलियन डेटीज. कृष्ण की भी कितनी ग्लानी कर दी है. दे हैव ऑल्सो डिफेम्ड कृष्णा सो मच. अब भगवान की तो कोई ग्लानी कर न सके. नाउ नो वन कैन डिफेम गॉड एट ऑल. भगवान की जो फर्स्ट रचना है उसकी भी ग्लानी कैसे हो सकती. हाउ कैन द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इटसेल्फ बी डिफेम्ड. अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट. अच्छा रिमेम्बरेंस लव एंड गुड नाइट फ्रॉम द स्पिरिचुअल बाप दादा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन. ओम शांति.